हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। तो दोस्तों, अगर आप बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं, वेदर 2 BHK और 3 BHK, विद प्लेंटी ऑफ एमिनिटीज़, गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई, इन साउथ मुंबई, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम लोग बात करेंगे गोदरेज क्रेस्ट होराइजन एट वड़ाला। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये टावर है क्रेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे 3 टावर बन रहे हैं। राइट साइड में जो एक टावर पहले ही बन चुका है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, 90% स्टॉक वहाँ पे सोल्ड आउट है। अब जो टावर, जो बीच का जो टावर है, डेट इज क्रेस्ट टावर है, और उसके राइट साइड में एक और एक टावर आएगा। तो ये टोटल जो लैंड पार्सल है, करीबन 5 एकड़ का लैंड पार्सल है। और जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो सेकेंड टावर की बात कर रहे हैं, क्रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रेस्ट जो है वो ग्राउंड प्लस 44 स्टोरी का टावर है, जिसमें 2 विंग है, ए और बी विंग। तो ए विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK, और बी विंग में भी हर एक फ्लोर के ऊपर 5 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। और दोस्तों, जो नीचे की तरफ आप पोडियम लेवल पार्किंग आप देख रहे हैं, वो अलग से मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग से बिल्डिंग के पीछे बना हुआ है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का पीछे का इमेज आप देख रहे हैं, और इसके साथ में राइट साइड में आप देखेंगे क्लब बना हुआ है, जो कि करीबन 5 लेवल का क्लब हाउस है, और उसके ऊपर रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज दिया गया है। तो ये क्लब हाउस का एरिया, करीबन 25,000 square feet का क्लब हाउस दिया गया है इसमें। और उस क्लब हाउस के अलावा पोडियम लेवल के ऊपर भी आपको कॉमन एमिनिटीज मिलता है, जो कि तीनों टावर के लिए कॉमन रहेगा। तीसरा टावर अभी आया नहीं, उसके बाजू में तीसरा टावर आएगा। तो तीनों टावर के लिए जो पोडियम लेवल का एमिनिटीज रहेगा वो कॉमन रहेगा, और क्रेस्ट के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर जो एमिनिटीज दिया गया है वो सिर्फ टावर क्रेस्ट के लिए रहेगा। सो दोस्तों, आपको इस बिल्डिंग से, गोदरेज क्रेस्ट से, आपको ईस्ट का भी व्यू मिलता है और प्लस वेस्ट का भी व्यू मिलता है। तो यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं वो मुंबई का ईस्ट साइड का व्यू है। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये नवा सेवा ब्रिज बन रहा है, जो कि सिबरी से न्यू मुंबई कनेक्ट होगा चिरले विलेज पर। तो यही वो ब्रिज है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अगले 2 साल तक ये ब्रिज रेडी हो जाना चाहिए। और उसके पहला जो आप हाईवे देख रहे हैं यहाँ पर, वो ईस्टर्न फ्रीवे हाईवे है। तो इस फ्रीवे हाईवे से अगर आपको कुलाबा की तरफ अगर ट्रैवल करना है, या तो आपको थाने की तरफ ट्रैवल करना है, तो बाय रोड आप ईस्टर्न फ्रीवे से आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। और ये जो इमेज है, अगर आप क्रेस्ट में, मान लो आप 10 माले पे या 12 माले पे अगर आप फ्लैट लेते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का वेस्ट का व्यू नज़र आएगा, जो कि मुंबई सिटी का वेस्ट का व्यू है। और डिस्टेंस में आप देखेंगे सी का व्यू मिलता है आपको, और बिल्कुल सनसेट होने तक का व्यू आपको, क्लियर व्यू मिलता है। अगेन, दिस इज़ द सेम इमेज ऑफ द सनसेट ऑफ द वेस्ट साइड। तो रात के टाइम स्पेशली मुंबई काफ़ी ग्लैमरस लगती है। आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का जो सराउंडिंग एरियाज है, काफ़ी वेल डेवलप्ड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज ये साउथ मुंबई में है, प्राइम लोकेशन पर है वड़ाला में। और यहाँ पर हर एक सुविधा आप विद इन 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको हर चीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, एवरीथिंग इज ईजली अवेलेबल विद इन 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे रूफ टॉप के ऊपर कुछ एमिनिटीज दिया गया है, जो कि गोदरेज क्रेस्ट के ऊपर है, रूफ टॉप के ऊपर है, 45th फ्लोर के ऊपर ये एमिनिटीज़ दिया गया है। और ये जो एमिनिटीज़ है वो सिर्फ क्रेस्ट के मेंबर्स के लिए होगा। और आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा खूबसूरत इन्फिनिटी पूल दिया गया है, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग, और सन डेक दिया गया है। और नीचे की तरफ जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं, उसमें हर एक फ्लैट के साथ में आपको काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है, और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है। और दोस्तों, आप यहां से आप देखेंगे इन्फिनिटी पूल से आपको मुंबई के ईस्ट का बिल्कुल ओपन व्यू मिलता है। और सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो नवा सेवा ब्रिज बन रहा है, और वो ब्रिज के सामने का जितना भी सी कोस्टल एरिया है वो आगे चलकर डेवलप्ड हो रहा है। वो सारे कोस्टल बेल्ट को एक नया रूप देने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन रहेगा लोगों के लिए, और आपके लिए व्यू पूरा ओपन रहेगा आपके बिल्डिंग से। और दोस्तों, रूफ टॉप एमिनिटीज़ में आपको एमपी थिएटर दिया गया है, उसके अलावा आपको मेडिटेशन और योगा डेक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ में रहते हो। और ये 45th फ्लोर पे इसके लिए बनाया गया है ताकि आप बिल्कुल शांत वातावरण पर रहे। उसके अलावा आपको जेन गार्डन दिया गया है,
और दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये और एक इमेज है इन्फिनिटी पूल का, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग और काफ़ी फॉग लाइट्स दिया गया है विद डिसेंट प्लांटेशन एंड प्लेंटी ऑफ फॉग लाइट्स इन द सराउंडिंग एरियाज। और ये दोस्तों रूफ टॉप लेवल का मास्टर प्लान है, जहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में स्विमिंग पूल दिया गया है और दोनों तरफ पूल के एमिनिटीज़ दिया गया है। तो एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर जेन गार्डन, गेजिबो सिटिंग, जूला स्पेस, लॉन सिटिंग, इन्फिनिटी पूल, पूल डेक, एम्पी थिएटर, आउटडोर स्क्रीन एंड योगा एंड मेडिटेशन लॉन। और उसके बाद ये पोडियम लेवल एमिनिटीज़ है, पोडियम लेवल का मास्टर प्लान है। तो पोडियम लेवल का एमिनिटीज़ जो रहेगा वो तीनों बिल्डिंग के लिए कॉमन रहेगा। तो इनका जो पहला टावर जो बन रहा है अभी, और सेकंड टावर अभी क्रैश लॉन्च हुआ है, थर्ड टावर कुछ टाइम के बाद लॉन्च करेंगे, तो तीनों टावर के लिए जो होगा पोडियम लेवल एमिनिटीज़ जो होगा वो कॉमन रहेगा। तो पोडियम लेवल एमिनिटीज़ में आपको पूल डेक मिलता है, चेंजिंग रूम, फैमिली परगोलास, जाकुजी, सेमी ओलंपिक साइज पूल विद इन्फिनिटी एज, किड्स पूल, पूल लॉन्च, परमोनेट, फुटसोल कोर्ट, सिटिंग फॉर फुटसोल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, क्लाइंबिंग वॉल, सीनियर सिटीजन सिटिंग्स विद परगोलास, एम्फीथिएटर सिटिंग्स, पार्टी एरिया विद स्क्रीन, स्क्रीन वॉल, आउटडोर जिम, सिटिंग बिलो पाम ट्रीज, पाम प्लाजा विद बोर्ड गेम्स, मल्टीपर्पज लॉन, मिनी गोल्फ, रेफ्लॉक्सोलॉजी पाथवे, फॉरेस्ट वॉक विद सिटिंग्स, हर्ब गार्डन्स, योगा लॉन एंड मेडिटेशन डेक। तो ये सारा कुछ आपको पोडियम लेवल पर दिया गया है। और दोस्तों ग्राउंड लेवल में सबसे बड़ी बात, तो आपको 5 लेवल का क्लब हाउस दिया गया है, जो कि 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। और क्रैश जो बन रहा है वो बिल्कुल इस प्लॉट के बीच में बन रहा है, जहाँ पर आपको डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस मिलता है, बिल्डिंग के सराउंडिंग में बेंच सिटिंग एरिया दिया गया है, एक्टिव स्ट्रीट दिया गया है, एमरजेंसी ड्राइव वे होगा, विजिटर पार्किंग दिया गया है, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, स्केटिंग ट्रैक एंड कार वॉश एरिया। तो लोकेशन वाइज दोस्तों आप देखेंगे तो ये साउथ मुंबई है, और साउथ मुंबई में यहाँ पर ये सेंटर में वड़ाला है, और वड़ाला में ये गोदरेज होराइजन लोकेटेड है, काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। और ये जो ब्रिज आप जो देख रहे हैं, ये सिवरी से चिरले विलेज कनेक्ट हो रहा है, जो कि नवा सेवा ब्रिज है। और इसके आसपास में जो मुंबई ईस्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत जल्दी फेरीज शुरू होगी। और प्लस ये साइड का जो आप कोस्टल एरियाज आप देख रहे हैं, ये सारा कोस्टल बेल्ट आगे चलकर डेवलप्ड होने वाला है, जो कि ये टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, उसको इस तरीके से बनाया जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लानिंग में है। और दूसरे तरफ दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड का काम काफ़ी जोरों शोरों में चल रहा है, जो कि फेज़ 1 बांद्रा तक होगा, फेज़ 2 बांद्रा से लेकर अंधेरी तक होगा, और फेज़ 3 जो होगा वो अंधेरी से विरार तक होगा। और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट को मेट्रोस का भी बेनिफिट मिलता है, ईस्टर्न फ्रीवे इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में है, तो आप इस लोकेशन से वेस्टर्न साइड, सेंट्रल साइड या साउथ मुंबई साइड, कोई भी लोकेशन पे आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। एयरपोर्ट आप दोनों एयरपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते हो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, और उसके अलावा भी यहाँ से आप न्यू मुंबई एयरपोर्ट आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। न्यू मुंबई एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अगले 2 साल तक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से नवासेवा ब्रिज से न्यू मुंबई एयरपोर्ट आप विद इन 45 मिनट्स पे आप पहुँच सकते हो। तो दोस्तों अगर स्कूल वाइज अगर बात करेंगे तो ऑक्सिलम कॉन्वेंट स्कूल जो है वो बिल्कुल 750 मीटर पर है, जे बी वाचना हाई स्कूल 1 किलोमीटर पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 1.8 किलोमीटर, पोडार कॉलेज 2.1 किलोमीटर, सेंट जोसेफ हाई स्कूल 1.1 किलोमीटर, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 1.4 किलोमीटर, राम नरेन रूहिया कॉलेज 1.8 किलोमीटर, डॉन बॉस्को हाई स्कूल 2.5 किलोमीटर एंड वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इज 2.7 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट गोदरेज क्रेस्ट एट वड़ाला। और हेल्थ केयर में देखेंगे तो दोस्तों किंग एडवर्ड मेमोरेबल हॉस्पिटल 2.4 किलोमीटर पर है, टाटा मेमोरेबल हॉस्पिटल 2.6 किलोमीटर, ग्लोबल हॉस्पिटल 2.7 किलोमीटर। और पार्क्स और रिक्रिएशन में अगर आप देखेंगे तो 5 गार्डन 1.2 किलोमीटर, दादर पारसी जिमखाना 1.7 किलोमीटर, महेश्वरी उद्यान 2 किलोमीटर, माटुंगा जिमखाना 2.1 किलोमीटर, द इंडियन जिमखाना माटुंगा इज 2.6 किलोमीटर। तो ये सारा पार्क एंड रिक्रिएशन एरिया है दोस्तों। तो दोस्तों रोड्स एंड रेल कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो वड़ाला रेलवे स्टेशन 300 मीटर्स पर है, मोनोरेल स्टेशन 700 मीटर्स,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 1.5 किलोमीटर, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन 2.7 किलोमीटर, ईस्टर्न फ्रीवे 3 किलोमीटर, अपकमिंग मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 3 किलोमीटर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी 14 किलोमीटर्स। और दोस्तों ये 5 लेवल का क्लब हाउस दिया गया है, 5 लेवल क्लब हाउस के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज़ दिया गया है। तो क्लब हाउस में सबसे पहले तो आपको फुल्ली इक्विप्ड जिम दिया गया है, 2 स्क्वाश कोर्ट दिया गया है, 2 डबल हाइटेड बैडमिंटन कोर्ट्स दिया गया है, उसके अलावा बड़ा सा लाइब्रेरी दिया गया है, क्रीचे, इंडोर गेम्स रूम, बैंक्वेट हॉल, स्टीम एंड मसाज रूम। तो दोस्तों ये जो एमिनिटीज़ दिया गया है, ये सारा एमिनिटीज़ पोडियम लेवल के ऊपर या पार्किंग लेवल के ऊपर आप बोल सकते हो, जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर आपको जॉगिंग ट्रैक मिलता है विद प्लांटेशन ऑन बोथ द साइड, प्लेंटी ऑफ पाम ट्रीज हैज़ बीन गिवन। उसके अलावा आपको सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, फुटसॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया एंड एवरी फ्लैट इज हैविंग अ ह्यूज डेक। तो आप सुबह शाम यहाँ पर चाय कॉफ़ी पीते हुए बिल्कुल सी साइड का या सिटी का आप ओपन व्यू का आप मज़ा ले सकते हो यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है जहाँ पर आपके 2 चेयर और टीपॉय रखकर आप आराम से आप बैठ सकते हो। फ्लैट में दोस्तों आपको फ्रेंच कट विंडो दिया गया है, एंड टू एंड वॉल, एंड टू एंड स्लाइडिंग और ट्रांसपेरेंट विंडो है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे। और दोस्तों लिविंग रूम का भी जो साइज़ है, जो स्पेस है, वो काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है। और बेडरूम में भी आप देखेंगे वार्डरोब और बेड रखने के बावजूद भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है, और एट द सेम टाइम फ्रेंच कट विंडो दिया गया है। किचन में आपको दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है विद यूटिलिटी स्पेस। अगेन सेकेंड या थर्ड बेडरूम जो होगा वो भी बड़े साइज का बेडरूम होगा। दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द बेडरूम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूनिट प्लान को पुराने टावर से रिफ़र करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लान अभी तक आया नहीं है, पर सिमिलर टाइप ऑफ प्लान रहेगा, पर थोड़ा सा इससे बड़ा प्लान है, पर सिमिलर टाइप ऑफ प्लानिंग रहेगा। तो 2 BHK जो है, इसमें मिनिमम जो कारपेट एरिया है वो 777 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 2.82 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और इससे बड़े साइज़ का जो 2 BHK है वो 828 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 2.99 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK में दोस्तों 3 वेरिएंट है, तो 1001 कारपेट एरिया जो होगा उसका प्राइस शुरू होता है 3.83 CR से प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उससे बड़ा जो है वो 1385 कारपेट एरिया है, जो कि प्राइस शुरू होता है 5.27 CR से, और उससे बड़ा जो होगा 1477 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस है 5.55 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है दिसंबर 2028 में। तो दोस्तों गोदरेज डेवलपर के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए इन ऑल ओवर इंडिया फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।